बाय। क्या हो गया? दूध पिएगा? दूध दूध 12 ट्रैक को सब्सक्राइब करो। फाइनली हम उतर गए नीचे। तो अभी आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि हमने दर्शन किए थे नाग देवता जी के। टाइम हो गया 5:30 और जाते जाते भाई मसूरी हमें लग जाएगा 1.5 घंटा। तो यार टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट यहाँ से निकलते हैं क्योंकि पहाड़ों का रास्ता है भाई। तो टाइम से अपना पहुँच जाएंगे तो सही रहेगा, कि होटल भी लेना है अभी हमें। तो फिलहाल यार अभी तो देखने लायक बहुत चीज़ें हैं, बट हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि हम सब चीज़ एक्सप्लोर कर सकें। तो इसलिए अगला जो ट्रिप होएगा उसमें हम चीज़ देखेंगे कि हर चीज़ कवर करें। बाकी देखो गाइस क्या सीन हो रखा है, सनसेट होने वाला है और यहाँ का व्यू देखो, हल्की हल्की जो लाइटें है ना जो पड़ रही है ना पहाड़ों पे, भाई खतरनाक लग रहा है, खतरनाक। अभी दिखाता हूँ यहाँ पे ना सन कहाँ से जा रहा है, सनसेट कहाँ से हो रहा है, बहुत प्यारा लगेगा ये। नहीं मोनू यार कैमरा ना देख, मोनू कह रहा है कैमरा इतना जस्टिस नहीं कर सकता, बट जो हम देख रहे हैं ना वो नेक्स्ट लेवल है भाई, नेक्स्ट लेवल। छोटे छोटे पहलो बाय कर दो, बाय 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 कर दो, बाय। सो गाइस फाइनली हम यहाँ से निकल गए हैं और सनसेट हो चुका है पूरा और हमारे भाई की बैटरी डाउन, मतलब इसकी बैटरी नहीं, इसके फोन की बैटरी डाउन हो चुकी है। बाकी यार जब सनसेट हो रहा था ना तो सामने का व्यू बड़ा प्यारा आ रहा था। बाकी गाइस मंथली का जो एक्सपीरियंस रहा है बहुत अच्छा रहा है। सूर्य का जो ऐसे डिस्टेंस रहने वाला है 24-25 किलोमीटर का होएगा, गया 1.5 घंटा लग जाएगा क्योंकि पहाड़ों का रास्ता है और ट्रैफिक आज बहुत कितना मारा है क्योंकि आज है वीकेंड, वीकेंड मतलब आज है हमारा संडे, तो ट्रैफिक बहुत खतरनाक मिलने वाला है। यार ये भी चीज है बेकार भाई, ये क्या हो गया, ये तो दिक्कत है भाई। लिया इस साइड काट के धीरे धीरे लिया, धीरे धीरे लिया 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 लेके आगे लिया 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 दोस्तों मेरे लिया। दो तीन चक्कर जितने भी उड़ जाए ना लेके आ, लेके आ हल्की हल्की और लेके आ, लेके आ, लेके आ हल्की हल्की और इस साइड लिया लिया लेके आ, लेके आ और लेके आ। क्या था ये? पता नहीं यार क्या था, बहुत ज्यादा क्या था। मुन्नू कहाँ जाना है हमें? अरे पिक्चर पैलेस जाना है ना, पिक्चर पैलेस जाना है तो नीचे की तरफ से जाना पड़ेगा। ओके ओके ओके, ये सही लगता है यार है ना। हाँ, ये सारा सही लगता है। बाकी फिलहाल तो यार सामने से ना एंट्री है कि बंद, नहीं नहीं खुली हुई है एंट्री भाई, लेकिन 200-250 रुपए लेते हैं भाई ये। तो अपना पीछे कहीं पार्किंग देखेंगे, वहीं जाके लगा देंगे गाड़ी को। हाँ, हाँ, ओके, है ना यार, कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे कहाँ को जा रहा है ब्रो? सो गाइस अभी गाड़ी हमने यहाँ पे पार्क कर दी है और सामने रहा हमारा मसूरी, थोड़ा आउट इसलिए की है, अभी आगे जाके देखते हैं होटल मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो आगे जाके हम देख लेंगे। तो इसलिए भाई अभी पैसे बचा लेते हैं पार्किंग के। हाँ टाइम इज 7:42 भाई, पहुँच गए। फाइनली हमने ले लिया एक रूम, तो ये रहा हमारा एक बेसिक सा रूम है कुछ, तो ये हमने ले लिया माल रोड पर और टाइम हो गया है 9:07। एक्चुअली हमें यहाँ पे आधा पौन घंटा हो गया है क्योंकि हमारी जो बैटरी थी ना वो डेड हो गई थी और थोड़ा चार्ज कर लिया और थोड़ा वीडियो देख ली थी अपनी भी थोड़ी बहुत। तो अभी चलते हैं माल रोड यार, पहले उससे पहले जाते हैं खाना खाने क्योंकि 10 बजे हो जाएगा पूरा यहाँ पे कर्फ्यू, मतलब सब चीज़ बंद हो जाएगी। तो अभी जाएंगे पहले खाना खाने, उसके बाद जाएंगे पूरा आपको माल रोड एक्सप्लोर कराते हैं। जू चचा है वही भतीजा है, वही भतीजा है वही चचा है, आजा आजा। वो तो नहीं है, हां भाई यार क्या कर रहा है ये पीछे, पहले यहां पे लगता है हमारा टोल लेकिन हम यहां से नहीं है, हमने गाड़ी कर दी है बाहर खड़ी। बहुत ज्यादा पैसे कहते हैं यार, बहुत ज्यादा पैसे है यार, क्या फायदा है पार्किंग अपना बड़ी टोल पे।
यार टाइम क्या हो गया है? टाइम मस्त हो रहा है, टाइम एग्जैक्ट हो गया है भाई, 10 बज गया, सारी शॉप बंद हो गई है मोस्टली। खाने पीने की यार चीज़ें वो रह रही है बस, वरना सब कुछ हो गया है बंद। लो दूध पिएगा दूध दूध भाई ये ना सामने जो देख रहे हो ना ये शॉप है भाई, बहुत मतलब इतना फेमस है ना ये दूध के लिए बहुत फेमस है भाई, स्वीट्स के नाम से। हाँ मसूरी स्वीट्स के नाम से। और भाई जितने भी टूरिस्ट आते हैं ना सब भाई यहाँ पे दूध जरूर पीते हैं, टेस्ट जरूर लेते हैं भाई दूध का। शटर पे शटर शटर पे शटर गिराए जा रहे हैं लोग वहाँ। लगको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये जो लोकेशन है ना सामने, यहाँ से पूरा देहरादून दिखता है, पूरा देहरादून। मतलब एक मिनट इस साइड आते हैं, ये सामने देख रहे हो ना इसको बोलते हैं व्यू पॉइंट, और यहाँ से ना पूरा देहरादून दिखता है भाई, पूरा देहरादून। जहाँ से दूर दूर तक निगाह डालोगे ना भाई देहरादून ही है, मतलब इतना बड़ा देहरादून है भाई। और ऊपर है भाई बार, तो भाई दारू वालों के लिए बार है, लेकिन अपन इस चीज़ से बहुत दूर है। क्या कर दे रोड गाल योर ये सारी पाइपलाइन डाल दे। हाँ हाँ तो थोड़े दिन पहले सब सही थी। कितना हॉकिंग करते हैं लोग गाइस बताऊं क्या बात हुई है कि मन हुआ था बहुत उम्मीद से कि माल लौट जाएंगे लड़के दिखेंगे। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। तो इसका प्लान चौपट हो गया क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है, तो जितने भी जो आए थे गेस्ट आए हुए थे जो गेस्ट थे वो सब चले गए होटल में, तो फिलहाल अभी खाली पड़ा है पूरा। इसको एक भी कन्या नहीं दिख रही है, खाली है पूरा एरिया, ये पीछे भी खाली आगे भी खाली, हर जगह खाली। ये फास्ट एंड फ्यूरियस बना दिया। तो गाइस अभी चलते हैं सीधा हम घर पे, रूम पे मतलब एक्चुअली। सो इस टाइम हो गए 7:09, रेडी है? रेडी है ओके। तो बस गुड मॉर्निंग फ्रॉम मसूरी। ऐसे पीछे हो रहा है सनराइज, सब बहुत प्यारा लग रहा है, बिल्डिंग के ऊपर से आ रहा है ना। बाकी फिलहाल जल्दी से उठ गए हैं क्योंकि भाई इसको अर्जेंट काम है और उसकी बार बार कॉल आ रही है, तो इसलिए जल्दी जाना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि भाई हमारे काम की वजह से इसका भी काम खराब हुए, हमारा तो काम था, हम तो किसी काम से ही आए थे। बट ये जो ट्रिप था हमारा ज़्यादा लंबा नहीं था, 2 दिन का था, बट फन था यार, 2 दिन में फन था। तो फिलहाल अभी चलते हैं, अभी लेट बहुत हो जाएंगे हमें जाना मुजफ्फरनगर, कम से कम 4 घंटे लग जाएंगे पहुंचने में, तो चलते हैं फिलहाल। तो अभी सुबह का माल लोड जो पूरा खाली पड़ा है, पूरा खाली है भाई, कहाँ गए लोग? बट गाइस ठंड बहुत है सुबह सुबह, एक्चुअली खुद पहन रखा है। हाँ गलती होगी भाई, जैकेट लेके नहीं आया था भाई, ठंड है नहीं यार, मॉर्निंग में होती है ठंड यार, है ना। अब भाई जो एक चीज़ है ना, वो जो हुडा लग रही है वो लग रही है चाय की। अब चाय यहाँ से मिलेगी नहीं यहाँ पे भी, पार्किंग में यार देखते हैं अभी कहाँ रुकते हैं, बट मेरे ख्याल से देहरादून जाके चाय पियेंगे। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये देखो गाइस क्या फॉग हो रहा है सामने, और जब सनराइज़ हो रही है ना तो हल्का था, मतलब जो कुछ रिफ्लेक्शन है ना धूप का वो पहाड़ों पर आ गया है, तो जो शेडो और उसका जो कॉम्बिनेशन है ना क्या खतरनाक से लग रहा है। और सामने खड़ी है भाई अपनी धन्नो, भाई बर्फ है, बर्फ है वो जम गई हो, इधर पारा होता है ना पारा वो जम गया। तो गाइस प्लीज UP 12 ट्रैक को सब्सक्राइब करो, फॉलो करो। काट बस काट दे पूरी। बर्फ आ गई इसके ऊपर और एक वाइपर पता नहीं क्यों खराब हो गया, कोई नहीं आगे देखते हैं यार, मतलब धूप आएगी तो सूख ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट इतने थोड़ा सेफली गाड़ी चलानी पड़ेगी अंधों की तरह।
चाय का स्टॉल, क्योंकि चाय की लग रही है उड़ा खतरनाक वाली फिलहाल तो। तो चाय देखते हैं हमारा प्लानिंग के हिसाब से मनो, उतरने के बाद चाय पियेंगे। तो कहती है ये जितना भी एरिया है ना पूरा, ये जो रोड है ना राजपुर रोड, ये भाई पॉश एरिया का आता है, मतलब पॉश एरिया में आती है देहरादून की। अभी फिलहाल आपको खाली लग रहा है यहाँ पे, लेकिन थोड़ी देर बाद मनो, थोड़ी देर बाद यहाँ पे हरियाली ही हरियाली होंगी, मतलब भीड़ ही भीड़ होगी, फूल ही फूल होंगे गिरे हुए, चुनिंदा नहीं फूल ही फूल गिरेंगे भाई यहाँ तो। तो बहुत चलता है, मतलब ये रोड बहुत चलता है। 5 minutes later. Cheers, Gudal. क्या? आगे पीछे है क्या? क्या चाय वाला? तो गाइस जस्ट चाय फिनिश कर ली है, अब यहाँ से निकलते हैं और चाय पीते यहाँ पे। अभी भी यार चेकिंग हो रही है, मतलब कोविड की ना, अगर कोई आ रहा है तो सीधा अंदर भेज रहे हैं इसको भी। तो गाइस यहाँ से रह गया अपना मुजफ्फरनगर 108 किलोमीटर रह गया, और जिस रूट की आपको बात कर रहा था वो ये रहा। अब जो स्टार्ट हुई थी यहाँ पे टनल, वो सामने वाली है, बट हम यहाँ को नहीं जाएंगे, हम जाएंगे पुराने रास्ते पे को, जो है डाका निवास के मंदिर का। हाँ, और आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो मंदिर है बहुत ही फेमस मंदिर है, ये माता का मंदिर है और प्राचीन मंदिर है ये, काली माता का मंदिर। ये है पुराने वाली टनल, और ये है पुरानी वाली टनल, हाँ, जो अंग्रेजों ने बनाई थी। अब तो पूरा सीमेंटेड हो गया, लेकिन पहले ना मोनो यहाँ पे क्या था कि मतलब पानी टप टप करता रहता था, मतलब रोड क्या अल्टीमेट था यार पहले ये, लेकिन अब सभी सीमेंटेड हो गया है। बाकी जिस मंदिर की मैं आपसे बात कर रहा था वो सामने है मंदिर, ये रहा भाई डाक काली माता का मंदिर, एक बार हाथ जोड़ लेते हैं, जय माता दी। अब हम एंटर कर रहे हैं यूपी में, पीछे था उत्तराखंड, अब यहाँ से स्टार्ट होता है अपना यूपी। ये फाइनली कांग्रेचुलेशन यूपी में एंट्री हो चुकी है। अब ये है भाई मोहांड, अब मोहांड का रूट लेके हम जाएंगे। अब ये आ गया हमारा बाईपास, अब गाड़ी भाई मतलब एक ही स्पीड से जाएगी, अब ऐसे नहीं है कि कोई ट्रैफिक मिलेगा या कुछ मिलने वाला है। सो गाइस अब हमने ले लिया सारंगपुर वाला रोड, अब ये रोड सीधा ही है बिल्कुल, हमें कहीं नहीं मुड़ना है, बिल्कुल सीधे जाना है, बट हमें रुड़की जाना है जो यहाँ से 45 किलोमीटर है, रुड़की का बीच में कट आएगा, वहाँ से हम कट ले लेंगे। ये ऊपर बोर्ड लग रहा है ना शाकुंभरी देवी जी का, यहाँ से शाकुंभरी देवी माता है 33 किलोमीटर,